हेलो एवरीवन, आकाश हियर। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर आया हूँ जिसमें बच्चों को फुल मार्क्स लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जो कि आपके एग्जाम में 5 मार्क्स या 10 मार्क्स के आते हैं। HS में 5 मार्क्स के व्याख्यामूलक प्रश्न जो आते हैं, जिसमें 5 में 5 लाख मार्क्स लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे आप इसमें फुल मार्क्स ला सकते हैं। आपको लिखना कैसे होता है मैं ये बताऊंगा इसमें। आप लोग तो 3 पॉइंट जानते ही होंगे, एक संदर्भ होता है, एक प्रसंग होता है, एक व्याख्या होता है। बट इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चौथा शीर्षक होता है, ये किसी को पता ही नहीं होता है। और जिसको पता होता है वो अच्छे से लिख भी नहीं पाता है और लिखता भी नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक टाइम वेस्टिंग है। तो यार मैं बता देता हूँ कि वो टाइम वेस्टिंग नहीं है, वो टाइम बहुत कम टाइम में आप उसको लिख सकते हैं और उससे आप फुल मार्क्स पा सकते हैं। ऐसा आप समझ लें कि वो अगर आप नहीं लिखोगे तो कहीं ना कहीं आपको व्याख्या बहुत ही अच्छा लिखना होगा, तभी फुल मार्क्स मिलने के चांस होते हैं। बट फुल मार्क्स जल्दी नहीं मिलेंगे। अगर वो पॉइंट आप लिखते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप भले ही संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या कैसे भी लिखे, हो सकता है आपको 5 में 3 नंबर ही मिले, 5 मार्क्स में 3 मार्क्स ही पाए। बट अगर वो चौथा शीर्षक जो मैं दिखाऊंगा, अगर आप वो लिखते हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ कि आपका ये 3 मार्क्स जो है वो 2 मार्क्स आपको देकर आपको 5 मार्क्स कंप्लीट कर देगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा हिंदी में खुद 90+ मार्क्स आया था, और 90+ मार्क्स उसी का आता है जो बहुत फुल फुल मार्क्स पाते जाता है। तो मेरा 2-3 मार्क्स स्कूल के प्रोजेक्ट में कट गया था। और आपका जो इंग्लिश हिंदी का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें लेटर राइटिंग जो होता है या रिपोर्टाज लिखना होता है, उसमें आपका 1 मार्क्स 2 मार्क्स कट सकता है। तो मिला जुला कर मेरा 5-6 मार्क्स कट गया था 100 में, स्कूल में कट गया था। तो इससे का मतलब ये है कि मुझे तो व्याख्या में फुल मार्क्स मिले थे, ग्रामर में फुल मार्क्स मिले थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मुझे फुल मार्क्स मिले थे। और तभी आप 90+ मार्क्स पा सकते हो किसी एक सब्जेक्ट में, इस बात को आप ध्यान रखें। तो चलिए आज मैं शुरू करता हूँ कि आपको व्याख्यामूलक प्रश्न लिखने कैसे हैं। तो आप पहले तो आप आराम से देखें, उसके बाद मैं एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा व्याख्यामूलक प्रश्न का कि रियली में कैसे लिखा जाता है। लिखना सभी को आता है, बट लिखें कैसे वो किसी को नहीं आता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है आकाश साहू, हमारा आपका प्यारा सा चैनल इंग्लिश हिंदी विद आकाश साहू, ऊपर में आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप व्याख्यामूलक प्रश्न को शुरू करने जाएं तो आप ऊपर में एक हेडिंग जरूर लगा दें, व्याख्यामूलक प्रश्न। सबसे पहले मैं एक वीडियो डालने ही वाला हूँ 2-3 दिन में कि आपको प्रेजेंटेशन कैसे देना है। यार देखो, एग्जामिनर को हर एक चीज़ आपको थाली में परोस कर देना होगा, तभी वो आपको थाली में परोस कर मार्क्स देगा। अगर आप एग्जामिनर को दुविधा में डालोगे तो वो फिर आपको दुविधा में डाल देगा, वो मार्क्स फिर नहीं दे पाएगा। इसीलिए यार क्लियर कट साफ साफ लिखो, गलत हो जाए तो एक ऐसे लाइन खींच दो, बट उससे ज़्यादा मत करो। तो आप सबसे पहले ऊपर व्याख्यामूलक प्रश्न स्टार्ट करें एग्जाम में, तो आप ऊपर हेडिंग दे दें। और यहाँ पे आप मार्जिन का स्टाइल देख सकते हैं, ये एक्चुअली मेरा स्टाइल है, ये मैंने किसी ने कोई ऐसा मार्जिन स्टाइल बताता नहीं है, बट ये मैंने अपने लिए खुद डेवलप किया था। और मैंने अपने सभी सब्जेक्ट एग्जाम में सभी में ऐसा ही मार्जिन दिया था। यहाँ पे देख सकते हैं 2 लाइन खींचा हुआ है, फिर यहाँ जितना है 3:2 का रेशियो में मार्जिन खींचना होता है, 3:2। ये मैं प्रेजेंटेशन में ज़रूर बता दूंगा आपको। इधर भी ये देख पा रहे हैं आप, और मार्किंग कैसे देना है, अगर एक का क है तो एक का क ही नंबर देना होगा। जब दूसरा व्याख्या स्टार्ट होता है तो वो ख नंबर होता है, तो आपको सिर्फ ख लिख कर नहीं स्टार्ट करना होता है, आपको एक का ख लिखना होता है। आप मार्किंग में ये नंबरिंग को बहुत अच्छे से दर्शाएं, नहीं तो एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाता है कि आप ख नंबर किसका ख लिखे। एक का ख होता है, फिर 2 का ख आएगा, 3 का ख आएगा, तो आप एक भी लिखे ताकि उसे समझ में आए एग्जामिनर को कि आप एक का ख लिख रहे हैं। मार्किंग स्कीम और ये मार्जिन और ये गैप छोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कितना भी नॉलेज रख ले, बट आप लिखना कैसे, अगर ये आप नहीं आता है तो आपके मार्क्स कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। और इस वजह से सभी सब्जेक्ट में अगर आपके 4 से 5 मार्क्स कम होते हैं तो आप टोटल सब्जेक्ट मिला ले तो आपके कितने मार्क्स कम हो जाएंगे, 30-50 नंबर कम हो जाएंगे, तो यार बहुत डिफरेंस हो जाएगा। तो चलिए, ये थोड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो इसलिए मैंने इतना इन्फॉर्मेशन दिया। तो शुरू करते हैं। जैसे आपका व्याख्यामूलक प्रश्न है तो सबसे पहले व्याख्यामूलक प्रश्न में आपको किसी भी शीर्षक को स्किप नहीं करना है, आपको तीनों लिखना है। टाइम नहीं है आपको घर में बैठकर टाइम
मैनेजमेंट करना है, टाइम मैनेजमेंट का वीडियो मैंने बनाया हुआ है इंग्लिश और हिंदी HS एग्जाम के लिए, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप थोड़ा वीडियोज को एक्सप्लोर किया कीजिए। मैं हर एक वीडियो में, हर एक वीडियो का बारे में नहीं बता पाता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जाकर देखें ज़रूर। तो हर एक को लिखना होता है क्योंकि आपको इसी से मार्क्स भी मिलते हैं। आप सोचिएगा कि टाइम नहीं है तो छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। आप घर में टाइम निकाल कर इसे प्रैक्टिस कीजिए कि आप कम टाइम में इतना अच्छा लिख पाएं, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें मेंटेन भी करनी होती है। चलिए पहला शीर्षक देखते हैं, संदर्भ। संदर्भ यहाँ पे आपको लिखना होता है कैसे, ये आज मैंने हिंदी लिखा हुआ है आपके लिए बहुत अच्छे से तैयार किया। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक, तो यहाँ पे आपको पुस्तक का नाम लिखना है। में संकलित पाठ का नाम लिख देना है, शीर्षक से लिया गया है। उसके बाद इसके रचयिता या इसके कवि या इसके लेखक, यहाँ पे कवि या लेखक का नाम लिख देंगे, जी हैं। तो मैं अभी एक एग्जांपल दूंगा कैसे लिखना है। जैसे कबीरदास का होगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन में संकलित कबीर के दोहे नामक शीर्षक से लिया गया है, एवं इसके कवि, यहाँ पे होगा कवि, संत कबीर दास जी हैं। और यहाँ पे आपको अंडरलाइन जरूर करना है, आप यहाँ पे डॉट डॉट ना करें, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखना है ये कंफर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पे डॉट डॉट है। बट अगर जब आप लिख देंगे कवि के नाम, पाठ का नाम, तो आप उसके नीचे अंडरलाइन जरूर कर दे, और हो सके तो आप लिखे सभी ब्लू पेन से, अंडरलाइन को आपको ब्लैक पेन से करना है। तो यार देखो, दूसरा शीर्षक, और ये आप देख पा रहे हो कि ये चीज मैंने यहाँ से नहीं लिखा है यार, आपको एग्जाम में पेज मिलेंगे, तो जब पेज मिलेंगे तो आप यहाँ पे पेज बचाने की कंजूसी क्यों करते हो। साफ साफ लिखो, साफ साफ, जरूरत पड़े तो लूज सीट लो। मैं तो चार चार पांच पांच छः छः लूज सीट लेकर लिखा था। साफ साफ लिखो, एग्जामिनर पेज नहीं गिनेगा, आपके लिखने के स्टाइल को, साफ साफ लिखने को देखेगा। अगर आपने शुरू में अच्छे से लिखा तो वो आपकी कॉपी चाहेगा, मैं दिन भर एक ही कॉपी को चेक करूँ। तो यार आप घबराए नहीं, लूज सीट ले लेकर साफ साफ लिखें। दूसरा शीर्षक आप यहाँ पे देंगे प्रसंग, तो यहाँ प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति, और यहाँ पे अगर आपका ये जैसे कबीर के दोहे, तुलसीदास के साखी, ये सब आ जाते हैं, तो आप प्रस्तुत पंक्ति या पंक्ति के जगह साखी या दोहे कोई एक यूज करें। में यहाँ पर जो पंक्ति दिया जाएगा आपको एग्जाम में, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे लिखना है कि उसमें मोस्ट ऑफ द प्रसंग में आपको मिलेगा कि किसी भी चीज को महत्व दिया गया है या उस चीज के बारे में बताया गया है। प्रसंग में बस आपको एक तरह से, जैसे आप लेटर राइटिंग में सब्जेक्ट लिखते हो कि आपके पूरे कंटेंट को वो दर्शा देता है क्या है, तो यह प्रसंग यही काम करता है। आप समझिए, उस व्याख्या के जो लिख रहे हैं उसका ये एक सब्जेक्ट के जैसा काम करता है, तो आप सब्जेक्ट को यहाँ लिख रहे हैं, तो महत्व दिया गया है या उसके बारे में, या देखिए स्लैश है, या उसके बारे में बताया गया है। ये प्रसंग में आपको इस तरह से लिखना है। एक बार फिर बोल रहा हूँ, ये भी आप देख लें कि मैं ये चीज़ इधर नहीं लिख रहा हूँ, इधर का मार्जिन देने का मेरा स्टाइल ये है, इधर का स्टाइल मैं वीडियो में ज़रूर बताऊँगा सभी, नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंटेशन के ऊपर आएगा। और तीसरा नंबर आपको 1 2 3 ये लिखना भी है, ताकि एग्जामिनर को नज़र जाए कि आपने कितने शीर्षक लिखे हैं। उसके बाद आपको लिखना है व्याख्या, तो देखिए यहाँ पे ब्लैक पेन से ही सब लिखना है, अंडरलाइन भी ब्लैक पेन से करना है। उसके बाद व्याख्या में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति या प्रस्तुत साखी या प्रस्तुत दोहे में कवि, यहाँ पे कवि का नाम लिख दें, जैसे कबीरदास हुआ, तुलसीदास हुआ, या कहानी हुआ, मुंशी प्रेमचंद जी कुछ भी, तो या द्विवेदी प्रसाद जी हुए, तो प्रस्तुत पंक्ति में मान लीजिए कबीरदास का मैं ले रहा हूँ, तो प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि, अब यार देखो यहाँ पे व्याख्या, तो व्याख्या में मैं तो कोई एग्जाम्पल दे नहीं सकता हूँ, व्याख्या में मैं कोई एग्जाम्पल नहीं दे सकता हूँ कि बीच बीच में, क्योंकि ये टोटल आपका लाइन पे डिपेंड करता है, लाइन क्या है उसी के रिगार्डिंग आपको यहाँ लिखना है। तो चलिए मैं चौथा शीर्षक पर चलता हूँ, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका ऊपर का अगर बिगड़ भी जाता है तो आपका वो जो चीज़ है आपको बचा देगा, और ये पार्ट वन है, और मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं HS क्लास 12 के लिए हर एक चैप्टर में वो चीज़ लिखना कैसे है, एक ही चीज़ लिखना है, अलग अलग लाइन के लिए अलग अलग नहीं लिखना है, तो वो वीडियो को पार्ट टू को आप लोग जरूर देखें। तो यार चौथा शीर्षक जो है उसे कहते हैं विशेष, तो यहाँ ये विशेष में भी देखिए सब पार्ट है 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपको पूरा पूरा नहीं लिखना होता है, यहाँ पे सिर्फ
ये ब्लैक पेन से हेडिंग दे देकर यहाँ पे सिर्फ लिखना है भाषा क्या है, छंद क्या यूज किया गया, अलंकार क्या है, रस क्या है, बिंब क्या है, और कहानी में कुछ स्पेशल टाइप्स के यहाँ पे लिखने होते हैं कि इसमें इस चीज को महत्व दिया गया है और इसमें इस आंदोलन के बारे में बताया गया है। तो यार ये सब तो लिखना ही होगा इसमें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे जरूर से जरूर लिखें, मैं तो यही बोलूंगा जरूर से जरूर लिखें। यार आप कितने भी बड़े टॉपर बनने जा रहे हो ये इसको लिखना जरूर है, क्योंकि ऊपर में अगर आपका बिगड़ भी जाता है तो ये आपको बचाएगा, और बचाएगा क्या, ये फुल मार्क्स दिलवाएगा। यार देखो इससे होता क्या है, अगर आप किसी पंक्ति के बारे में भाषा छंद अलंकार रस बिंब लिख सकते हो तो एग्जामिनर के मन में क्या आएगा कि आप हिंदी बहुत अच्छा जानते हो, तभी आप ये लिख पा रहे हैं। एक्चुअली ये जो है हिंदी ऑनर्स अगर आप लेंगे कॉलेज में जाएंगे तो आपको ये लिखना ही होगा, और तो और हिंदी ऑनर्स जब लेंगे तो उसमें अलंकार बोलकर एक किताब ही पढ़ना होगा, चैप्टर पढ़ना होगा। यहाँ तो आप थोड़े सा लिख रहे हैं बट वहाँ पे एक चैप्टर पढ़ना होगा, एक बुक पढ़ना होगा, छंद के ऊपर बुक पढ़ना होगा। तो आप किस लेवल का आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं तो इसी से टॉपर टॉपर बन जाते हैं। तो यही मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ, ये यार कोई टीचर्स भी नहीं बताता है और ज़्यादा एम्फेसाइज भी नहीं करता है, बट मैं आपको फोर्स दे रहा हूँ कि आपको ये चीज़ लिखना है और लिखना ही है। ऊपर में अगर आप 3 मार्क्स भी पाते हो तो आपको ये 2 मार्क्स दिलवा देगा, ऊपर 4 पाते हो तो ये एक, कहीं ना कहीं मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये आपको फुल मार्क्स दिलवाने वाला है। तो यार देखो यहाँ पे कैसे लिखना है, तो मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप लिखोगे कैसे। मैं एक एग्जाम्पल लाइन लूंगा तो वही लाइन का मैं विशेष उठा कर यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कबीर के दोहे मैं अभी दिखाने वाला हूँ, तो वहाँ पे भाषा जो होगा विशेष में सगुपकड़ी भाषा होता है। एक्चुअली मैंने ये पहले लिख लिया था क्योंकि ये मोबाइल कैमरा के नीचे लिखने में प्रॉब्लम होती है। आप देखिए कैसे मुझे प्रॉब्लम हो रही है अभी लिखने में। तो भाषा में जैसे यहाँ पे लिखेंगे आप, सघुकड़ी भाषा और एक खड़ी पाई दे दें। उसके बाद अगर यहाँ पे छंद लिखना होता है तो कबीर के दोहे हैं तो दोहा छंद यहाँ पे आपको लिखना होगा, दोहा छंद खड़ी पाई। अलंकार लिखना होगा तो अलंकार में आप यहाँ पे होगा विभावना अलंकार, विभावना अलंकार। देखो यार ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है बट समझाना है कि किसी भी चीज़ को स्किप मैं नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है। तो क्या है, एक ही बार तो देखना है आपको, थोड़ा टाइम निकाल कर प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। उसके बाद यहाँ पे रस जो लिखना है, ये सभी चैप्टर के लिए नहीं है बट मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखोगे शांत रस, आई होप आपको मेरा राइटिंग समझ में आ रहा होगा, इतना भी खराब राइटिंग नहीं है मेरा। तो बिंब में आप जैसे लिख सकते हो, बीम बहुत तरह के होते हैं बट ये किसी और चैप्टर में यूज होगा, बट फिर भी इसमें है तो मैंने लिख दिया हूँ, बट इसका कुछ होगा नहीं। यहाँ पे धौनी बिंब होता है बट वो किसी और चैप्टर का है, कबीरदास में नहीं आता है। तो यार देखो इस तरह से लिखना है आपको, ये पूरा एक सेंटेंस नहीं बनाना है कि इस पंक्ति में सघुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, इसमें दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, प्रयोग किया गया, इतना प्रयोग लिखोगे टाइम बर्बाद हो जाएगा। या इस तरह से लिखे, एग्जामिनर को पढ़ने में बहुत ईजी आता है और वो तुरंत ऐसे 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 आपको टिक मारता है, यहाँ पे +2 देता है, ऊपर में +3 देता है, और फाइनली इस मार्जिन जो आप छोड़े यहाँ पे आपको +5 मार्क्स मिल जाता है। यार नंबर पाना इतना ईजी है, बट नंबर पाने के लिए आपके पास टैलेंट होना चाहिए, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए यार इसके साथ ही मैंने आपको सभी पॉइंट्स दिखा दिए कैसे करना है लिखना है, आप एक बार फिर से देख लें। और मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने कैसे लिखा है, कबीरदास का एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो। तो चलो यार अब हम एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं कि कबीर के दोहे में देखिए 2 नंबर आपके बुक में दोहा होगा कि न गुरु मिलया न शीश भया, लालच खेलिया दाव, दोनों बूढ़े धार मैं चढ़ी पाथर की नाव। तो देखिए यार इसमें लिखना कैसे होगा, मैं उसी पॉइंट के साथ चल रहा हूँ। तो यार संदर्भ में सिमिलर एज एबव आपको नहीं लिखना है, एक्चुअली ऊपर का लाइन में जो है उसको मैं बार बार लिखने से अच्छा है सिमिलर एज एबव लिख दिया हूँ। तो आपको यहाँ पे प्रसंग में ये नहीं लिखना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या लिखना है। तो यार देखो उस लाइन का संदर्भ में मैं वो लाइन एग्जाम्पल में ले लिया हूँ, तो उसके संदर्भ में आपको ये लिखना है प्रस्तुत साखी, ये एक्चुअली साखी है, तो प्रस्तुत साखी हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन
यहाँ पे पाठ संचयन में संकलित कबीर की साखी नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता संत कबीर दास जी है। तो देखो यार मैंने कैसे ब्लू पेन से लिखा है और ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दिया है तुरंत, या आप बाद में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे संदर्भ ये लिखना है, और ये संदर्भ जो है इस पाठ के हर एक लाइन में यही संदर्भ आने वाला है। तो एक्चुअली इसलिए मैंने वहाँ पे सेम एज अबव लिख दिया था। तो चलो अब प्रसंग और व्याख्या तो चेंज होगा, और विशेष जो मैंने लिखाया था भाषा छंद अलंकार वो सभी के लिए सेम होगा। एक्चुअली होगा डिफरेंट, बट आप सेम लिख सकते हैं क्योंकि आपको उतना याद नहीं करना है। एक्चुअली वो कोई लिखता नहीं है, अगर आप लिख रहे हैं तो एग्जामिनर उतना देखने वाला भी नहीं है, बट उतना नहीं देखता है कि आपने सही लिखा है या गलत, बस आपने लिखा है उस पर आपको वो मार्क्स दे देगा। और एक्चुअली वो बहुत अच्छी चीज़ है, उसको तो आपको लिखना ही है किसी भी हाल में। विशेष में जो भाषा छंद अलंकार रस ये आपको छोड़ना नहीं है। चलो हम चलिए मैं आप प्रसंग दिखाता हूँ आपको। हाँ तो यार देखो संदर्भ मैंने दिखा दिया, प्रसंग में लिखेंगे आप। ये जो लाइन है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी कहते हैं कि साधना की सफलता के लिए गुरु एवं शिष्य दोनों का सच्चा एवं निष्ठावान होना आवश्यक बताया गया है। यदि ऐसा नहीं होता है तो साधना मात्र दिखावा है, भ्रम है, निष्फल है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि गुरु एवं इस लाइन में गुरु और शिष्य के बारे में दिया गया, इसलिए मैंने इस चीज़ को अंडरलाइन किया है। और क्या क्या नहीं होना चाहिए तो उसको भी अंडरलाइन किया गया, दिखावा, भ्रम, निष्फल ये सब नहीं होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया। तो चलिए दिखाते हैं कि अब व्याख्या कैसे लिखना है आपको। तो यहाँ पे व्याख्या आपको इस तरह से लिखना है कि प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी कहते हैं कि साधना तभी सफल होती है जब गुरु और शिष्य दोनों निष्ठावान एवं सच्चा हो। यदि ऐसा नहीं होता है तो साधना करना बेकार है। कबीर दास जी कहते हैं कि यदि सच्चा गुरु मिलता है और न ही सच्चा शिष्य मिलता है तो देखो यार मैं इसको समझा नहीं रहा हूँ, उस लाइन का व्याख्या मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जब मैं इसका क्वेश्चन आंसर अपलोड करना चालू करूंगा तो मैं आपको लाइन बाई लाइन समझाऊंगा। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, आप देखो कैसे लिखना है, इधर पे नहीं लिखना है, इधर नहीं लिखना है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ लिखना कैसे है। उसके बाद आप लिखेंगे दोनों केवल लालचवश अपने अपने दाव अर्थात स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं। गुरु इस दाव में लगा रहता है कि वह अपने प्रदर्शन के माध्यम से शिष्यों की मंडली एकत्र करे, और छात्र इस दाव में लगा रहता है कि उस टीचर शिक्षक का शिष्य कहलाकर वह महत्व हासिल कर ले। किंतु सच्चे गुरु के अभाव में साधना की दृष्टि में भाव सागर में उसी प्रकार डूब जाते हैं जिस प्रकार पत्थर की नाव पर चढ़ने वाले नदी में डूब जाते हैं। यार इसका मतलब मैं अभी नहीं समझा रहा हूँ, आप समझ ही गए होंगे क्या लिखा हुआ है। जब मैं आंसर अपलोड करूंगा तो मैं समझाऊंगा। तो यार उसमें देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर इस एक पंक्ति का जो लाइन था, जो एक पंक्ति का लाइन था यार, ऐसा कुछ लाइन था जैसे ऐसा कुछ ऊपर में लाइन था, तो उस लाइन का आपने व्याख्या लिखा। बट अगर इस व्याख्या को समझाने के लिए एक और लाइन आ जाती है, जैसे मैंने आपको कहानी में, कविता में, हिंदी साहित्य का इतिहास में सपोर्टिंग लाइन बताया था कि आपको ब्लैक पेन से जो भी आप लाइन लिखना है लिखे, बट उसमें आपको सपोर्टिंग लाइन जरूर से जरूर देना होता है, इससे मार्क्स बहुत बूस्ट होता है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है बट आप रैली में जब आप करने जाओ, आप अपने कोचिंग के टीचर को दिखाओगे तो आप देख पाओगे कि आपको कैसे फुल मार्क्स मिल दे रहे हैं वो टीचर। तो इसमें आप एक सपोर्टिंग लाइन है, बहुत से सपोर्टिंग लाइन है यार। मैंने कभी हिंदी के लिए कोचिंग नहीं लिया है, मैंने ये सब खुद ही डेवलप किया और खुद ही मैंने 90+ पाया भी है। तो यार ये कोई टीचर बताता है नहीं है तो मैंने, और मेरे पास पैसा नहीं था जो मैं कोचिंग भी जाकर पढ़ूँ, तो इसलिए मैंने खुद से ये सभी आंसर डेवलप किए, खुद से ये लाइनें खोजी, कॉलेज के बुक्स खोजी, ये सब से मैंने ये आंसर को तैयार किया था अपने लिए भी, और ये सब आंसर मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। तो यार देखो उतना लाइन लिखने के बाद भी आप एक सपोर्टिंग लाइन लिख दे, इस प्रकार के गुरु शिष्यों के संबंध में तुलसीदास लिखते हैं, जो कवि है तुलसीदास लिखते हैं। अगर नहीं भी पता है तो मैंने आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में बताया था कि अथार्थ लिखे, यथा लिख कर शुरू कर दे ये लाइन लिखना। आप हिंदी साहित्य के इतिहास का फुल पैकेज देख लें, प्लेलिस्ट में लिया हो, प्लेलिस्ट में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री में आप उस वीडियो को देख लें, वो सभी आपको फुल मार्क्स लाने में बहुत हेल्प करेंगे। इसमें लिखा है गुरु शीश बरित कर लेखा, एक न यहाँ पे लेखा है, एक न सुनई एक नहीं देखा। तो गुरु शीश बरित कर लेखा, एक सुनता नहीं है, एक देखता नहीं है, इस प्रकार से यहाँ पर भी समझाने वाली चीजें हैं, मैं आपको बाद में समझा दूंगा।
तो उसके बाद जो लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज मैं बता रहा था कि विशेष, विशेष में सघोकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया। एक्चुअली ऐसे आपको नहीं लिखना है, ये मैंने जल्दी जल्दी में मैंने लिखा है, आपको विशेष ऐसे लिखना है। देखो यहाँ पे जो जो चीजें यहाँ पर लिखा गया, शांत रस, विभावना अलंकार, दोहा छंद, तो ये चीज ही तो मैंने यहाँ पर बताया था। तो इसी लाइन को मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू दिखा दिया था। देखो भाषा आपको ऐसे लिखना है, विशेष में भाषा, सघुकड़ी भाषा, छंद, दोहा छंद, अलंकार, विभावना अलंकार, रस, शांत रस, यहाँ पे बिंब नहीं आएगा। बिंब एक्चुअली जो है समय के ढेर पर नाम की कविता है आपके सिलेबस में, उसमें बिंब में आपको ध्वनि बिंब लिखना होगा। तो यार पार्ट टू में मैं चैप्टर वाइज विशेष का एक आपको देने वाला हूँ, हर एक चैप्टर के लास्ट में विशेष आपको इस तरह से लिखना है, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे आप शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहे हो, व्याख्या से मूलक प्रश्न लिख रहे हो, उसमें आपको ये जो है विशेष वाले पोर्शन जो है आपको हर एक में लिखना है। ये अपने आप में 2 मार्क्स कंटेन करता है, सही सुन रहे हैं आप, आई रिपीट, 2 मार्क्स कंटेन करता है। तो आप इसे अंडर एस्टिमेट मत कीजिए यार, ये लिखने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट आपको 2 मार्क्स मिल रहे हैं। एक मीन्स 40% जो क्वेश्चन का 5 मार्क्स है, उसका 40% मार्क्स सिर्फ इतने से लिखने से आता है। तो यार स्ट्रेटेजी बोलते रहते हो, यही मैं बता रहा हूँ, स्ट्रेटेजी लिखना कैसे है, मार्क्स को चुराना कैसे है एग्जामिनर से, इस तरह से चुराना है। तो यार मैंने यहाँ पे जैसे लिखा हुआ था, तो आप इसे ना देखकर आप इसको क्लियर कट देखें, ये क्लियर लिखा हुआ है। तो यार ऐसे ही लिखना है, बस मैंने ऐसे ही समझा दिया एक। तो आज के ये वीडियो ख़त्म होता है, बट पार्ट टू एक वीडियो आएगा। एक्चुअली यहाँ पे कहाँ लिखूँ, पार्ट टू जो वीडियो आएगा उसे आप जरूर देखो। उसमें मैं क्या करूँगा कि चैप्टर का नाम लिखूंगा, उसके नीचे विशेष में 4-5 लाइन जो ये पॉइंट्स है, उसी तरह से मैं सभी चैप्टर के लिए दे दूंगा आपको, उसको याद कर लेने और एग्जाम में जाकर ऊपर के सभी चीज़ों आपको लिख लेने हैं। और शायद मैं आपके एग्जाम से पहले तो ये अपलोड नहीं कर पाऊंगा, बट अगले साल वाले जो एग्जाम देंगे उनके लिए मैं सभी चीज़ अपलोड कर ही दूंगा एक साल में। तो यहाँ पर आपको सभी व्याख्या के नीचे इस तरह से विशेष करके, इस तरह से ब्लैक पेन से लिख कर, डैश देकर, ब्लू पेन से लिख कर, यहाँ पे खड़ी पाई ये सब दे देकर लिखना है। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। और मार्जिन ये जो है जैसे भी है वो सब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो पार्ट टू जरूर देखें, क्योंकि ये एक मैंने फॉर्मेट दिखाया कि आपको लिखना कैसे, बट एक्चुअली जो ये विशेष पॉइंट है जो अपने आप में 2 मार्क्स 3 मार्क्स रखता है, उस चीज़ के लिए आपको ये पार्ट टू वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मैंने वो तैयार कर लिया है, तो बस मैं उसका भी वीडियो शूट करूँगा जल्द ही। तो चलो यार पार्ट टू में मिलते हैं। आई एम आकाश, सब साइनिंग ऑफ। वीडियो कैसा हो लगा है कमेंट करें। और हाँ, एक सरप्राइज है आपके लिए, वो सरप्राइज मैं 2-3 दिन में ही बताने वाला हूँ यार, वो बहुत ही अच्छा सरप्राइज रहेगा आपके लिए, जिससे आपके मार्क्स जो है बहुत पुष्ट होगा। तो चलिए मिलते हैं उस वीडियो में भी। आइए मकास साइनिंग ऑफ, टाटा एंड बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।